brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 24 अप्रैल को एक बयान दिया। पित्रोदा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स की वकालत, यानी ऐसा टैक्स जो मरने वाले की संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर किए जाने पर लगाया जाता। ऐसे टैक्स के बारे में बयान देते ही भारत में बवाल मच गया। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता सैम पित्रोदा के बयान का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह। विरासत टैक्स पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, ऐसे में दो तीन सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो यही कि सैम पित्रोदा ने आखिर क्या कहा, कौन से टैक्स और संपत्ति बंटवारे की बात की। सवाल नंबर दो कि आखिर जिस बयान पर विवाद मचा है वो विरासत टैक्स आखिर है क्या। सवाल नंबर तीन कि पित्रोदा के बयान पर मोदी शाह क्या कह रहे हैं। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स विरासत टैक्स लगता है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को सिर्फ 45% संपत्ति ही मिलेगी, बाकी 55% सरकार ले लेती है। पित्रोदा ने यह भी कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, यहां अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है तो मरने के बाद उसके बच्चों को सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। सैम पित्रोदा का बयान सुनिए, उसके बाद आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। देयर इज अ इनहेरिटेंस टैक्स, सो इफ लेट्स से वन हैज $100 million वर्थ ऑफ वेल्थ, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. These are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people. And not in the interest of super rich only. पित्रोदा के इसी बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा के रैली में 24 अप्रैल को कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे खुलकर सामने आ गए हैं, इसलिए वो इनहेरिटेंस टैक्स विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का बयान सुनिए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से मैं आज देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं, मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है,
हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है कितना ही कम क्यों ना हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगल सूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। वैसे आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों चुनावी रैली में कहा था कि अगर चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो एक सर्वे करवाएंगे, पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। राहुल गांधी के इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया और इसी वजह से बवाल भी मच गया। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस के घोषणा पत्र में अमीरों के संपत्ति किसी खास वर्ग में बांटने का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे संपत्ति का समान वितरण होगा। जैसे भारत में मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेतन नहीं है। आज ये हो रहा है कि अमीर लोग चपरासियों या उसे हाउस हेल्प को पर्याप्त वेतन नहीं मिलते हैं, लेकिन वे उस पैसे का दुबई या लंदन में खर्च कर देते हैं। जब आप धन के वितरण की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बैठकर कहो कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं इसे सभी में बांट दूंगा। इस तरह की सोच बेकार। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है और यह उनका मकसद कभी नहीं था। कांग्रेस ने पित्रोदा के इस बयान से एक तरह से पूरी तरह दूरी बना ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाता हो। लेकिन सवाल ये कि कहां से शुरू हुई संपत्ति बांटने के बाद। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक चुनावी रैली में कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो एक सर्वे कराया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र जारी करते समय कहा था कि हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी माइनॉरिटी और फिर 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट की। अगर आप इन सबको मिला देते हैं तो 90% से ज्यादा आबादी इन लोगों की बनती है। मगर अगर आप भारत की संस्थाओं को देखें, इंस्टीट्यूशन को देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा जाए तो उनमें आपको कोई भी इन कंपनियों में, इन इंस्टीट्यूशन में, उन संस्थाओं में नहीं दिखाई देता। तब राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिक की लिस्ट निकालिए, उनमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा और एक आदिवासी नहीं मिलेगा। बहरहाल सियासी लड़ाई के बीच में अब सवाल ये उठ रहा है कि इनहेरिटेंस टैक्स आखिर होता क्या है, किस पर लगता है और कितना लगता है, क्या भारत में भी ये टैक्स लगता है या फिर नहीं। दरअसल इनहेरिटेंस टैक्स वो होता है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे पर लगता है। अमेरिका के 6 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स वसूला जाता है। ये टैक्स कितना लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि मृतक व्यक्ति कहाँ रहता था और उसका उत्तराधिकारों के साथ उसका रिश्ता क्या था। अब सवाल ये कि इनहेरिटेंस टैक्स से बचने का तरीका क्या है। हर चीज का तोड़ होता है, इनहेरिटेंस टैक्स से बचने का भी तोड़ है। हालांकि इसका तोड़ तभी है जब मरने से पहले संपत्ति को बांट दिया जाए। अमेरिका में $18,000 तक के गिफ्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मरने के बाद अपने उत्तराधिकारियों को इनहेरिटेंस टैक्स से बचाना चाहता है तो वो जीवित रहते ही अपनी संपत्ति गिफ्ट में दे सकता है। वहीं शादीशुदा जोड़े $36,000 तक का गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसे सुविधाएं नहीं है और ये टैक्स भी नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स भारत में लगता है, ये सबसे बड़ा सवाल है या नहीं।
कई विकसित देशों में इनहेरिटेंस टैक्स अभी भी लागू है, लेकिन सौभाग्य से भारत में यह टैक्स नहीं है। भारत में लगभग 40 साल पहले इनहेरिटेंस टैक्स लगता था। राजीव गांधी के तत्कालीन केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने इनहेरिटेंस टैक्स समाप्त करने का निर्णय लिया था। वीपी सिंह का मानना था कि इस टैक्स ने अधिक न्याय संगत समाज बनाने और धन असमानता को कम करने में अपने इच्छित लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। इस टैक्स का संपत्ति शुल्क को अगर इस तर्क से समाप्त कर दिया जाता है तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगी और इसे कोई भी टैक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार ने खुद को असंख्यक मुकदमेबाजी में फंसना पाया था और टैक्स की जो आय थी वो भी ज्यादा नहीं थी, कम ही थी, इसलिए टैक्स को 1985 में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब ये सवाल अंत में ये समझ लीजिए कि क्या दोबारा भारत में लगाया जा सकता है। 2015 में मोदी सरकार आने के बाद उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इसे लागू करने पर विचार किया था, लेकिन उस समय सरकार इस पर कोई ठोस फैसला नहीं ले सकी थी। वैसे सरकार इसे लेकर क्या सोचती है फिलहाल तो ये दूर की कौड़ी की बात है कि अभी तक ये बात नहीं सामने आई है। बाद की बात को अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल भारत में ये टैक्स नहीं है। लेकिन इसी टैक्स का जिक्र सैम पित्रोदा ने अमेरिका से तुलना कर दी और इसी को लेकर बीजेपी इसे लपक ली है और इस पर काफी विवाद मचा हुआ है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।